हमारा ज्यादा साक्षात्कार का पाठ चला तो पहला पहला साक्षात्कार जो हमने किया छोटेपन में आठ वर्ष के जैसे बाबा के पास आई उनके पहले हमने साक्षात्कार किया तो बाबा सत्संग करते थे हैदराबाद में और हम रहते थे कराची में तो बाबा कराची में बीच बीच में जाते थे लेकिन हम हैदराबाद में रहते थे तो बाबा हैदराबाद में ही आते थे और सत्संग होता था बाबा के यहाँ माताएं आती थी भाई भी आते थे सत्संग होता था तो हम लोग जो कराची में हम तो कराची में ही रहते थे तो बाबा कभी कभी आता था तो जैसे सत्संग होता है ना घरों में ऐसे हमारे मामा के घर में सत्संग होता था बाबा आके भाषण करता था। तो एक दिन क्या हुआ वहाँ हम बैठे थे हमारी लौकिक माता भी चलती थी उसके साथ ही जाते थे तो एक दिन क्या हुआ सत्संग चल रहा था लेकिन मैं गुम हो गई तो मैंने क्या देखा श्री कृष्ण का चित्र। तो पहले तो गुम हो गई पीछे जब होश में आई तो मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे संबंधी जो है वो ऐसे बैठे थे तो मैं जैसे बच्चा था ना तो बचपन को देख करके मैं थोड़ी वायरी हो गई ये क्या हो गया मुझे जो ये सब ऐसे मेरे सामने साथ बैठे हैं। तो हमारी लौकिक माँ ने पूछा तुम क्या देखा कहाँ थी। मैंने कहा मैंने तो बहुत अच्छा देखा यहाँ तो वो दिखाई नहीं देता है। मैंने देखा कृष्ण था छोटा सा कृष्ण जैसे मैं 9 साल की 8.5 साल की होंगी पीछे वहाँ आई ऐसे ही साइज में श्री कृष्ण देखा। तो मैं उतरी तो माता जी ने पूछा क्या देखा। मैंने कहा मैंने तो बहुत सुंदर चीज़ देखी ऐसी तो यहाँ दिखाई नहीं देती है हमने रियल कृष्ण का रूप देखा ना यहाँ तो आर्टिफिशियल पता नहीं। तो उन्होंने कहा क्या देखा तुम बताओ ना तुम राम देखा कृष्ण देखा क्या देखा। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ राम है या कृष्ण है। तो ये कृष्ण की मूर्ति मेरे पास ले आई का ये देखा। तो एक जो उनका ऐसे पाँव होता है ना डांस देखा वो तो था लेकिन शिकल जो है वो तो ऐसे थी जो मैं समझती हूँ दासियाँ भी अच्छी होंगी जो चित्र में देखा। तो मैंने कहा मैंने ये तो नहीं देखा मैंने तो बहुत बढ़िया देखा कौन देखा। मैंने कहा उसकी टांग ऐसे डांस करता है ना कृष्ण की दिखाते है ना उससे मैंने कहा तो मैंने यही देखा ऐसा ही देखा डांस करता हुआ बाकी ये नहीं था ये तो पता नहीं क्या है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो पहला साक्षात्कार हमको वहाँ घर में रहते हुए बाबा आता था मम्मा आती थी सत्संग करते थे तो वहाँ सभा में आते थे बाबा एक दो दिन रह के फिर चले जाते थे सत्संग करके चले जाते थे। तो हमारे मामा का ही घर था तो हम लोग जाते ही थे। तो पहला साक्षात्कार हमने ये किया उसके बाद तो बहुत साक्षात्कार हुए जैसे बाबा का पाठ चला उसमें तो हुए ही लेकिन हम ये चाहते हैं कि साक्षात्कार तो होते हैं लेकिन
बाबा ने जो ये पाठ पढ़ाया तो तुमको जो साक्षात्कार किया ऐसे साक्षात तुमको बनना है, ये एडिशन बाबा की थी। ऐसे नहीं साक्षात्कार किया तो बस बहुत अच्छा हो गया मैंने देखा, लेकिन तुमको ऐसा बनना है, साक्षात श्री कृष्ण जैसा बनना है। तो बाबा ने ये लक्ष्य दे करके हम लोगों को, बाबा तो चला गया लेकिन लगन तो लग गई ना साक्षात्कार के बाद। तो पिताजी इतनी छुट्टी नहीं देता था, लेकिन माताजी को बहुत लगन थी। वो यहाँ ऑलराउंडर के नाम से रहती भी थी, बहुत संभालती थी, बहुत समय रही है, तो वो उसके साथ मैं चली आती थी, वो मेरे को लेके आती थी, उसकी इच्छा थी। तो हम चार बहनें थी, तो उसकी बड़ी मैं ही थी, तो उसकी इच्छा थी हम चार में से एक जरूर ज्ञानी बने। तो उसकी इच्छा से भी नेचुरल है ना, बचपन तो होता है, लेकिन माँ की अगर इच्छा है तो उसमें मदद मिल जाती है ना। तो उसके मदद से हमारा भाग्य जो है वो खुला और हम बाबा के पास रहे। तो ये थी हिस्ट्री। और बाबा की विशेषता ये थी कि हर बच्चे को बाबा यही कहता था कि बच्चे आप शिव बाबा को कभी नहीं भूलना। खाने पर बैठते थे तो भी बाबा आकर के चक्कर लगाता था।